चिल्ड्रन, सो लेसन वन द क्रैंकी मकाऊ का आगे अब हम पढ़ेंगे. फाइन, आई टोल्ड यू कि जॉनी जे एंड मकाऊ बोथ ऑफ देम दे लिव अलोन इन एन आइलैंड. फाइन, जॉनी जे की एक सिस्टर थी एंड हर नेम इज मिस्सी मे. भाई का नाम जॉनी जे, सिस्टर का नाम मिस्सी मे. मिस्सी मे कई बार अपने ब्रदर से मिलने आती थी, लेकिन मिस्सी मे डिड नॉट लाइक मकाऊ. मिस्सी मे को मकाऊ नहीं पसंद था और मकाऊ को भी. ही ऑल्सो डज नॉट लाइक सिस्टर. ओके, तो व्हाट हैपेंड वन डे वन आफ्टरनून, व्हाट हैपेंड, मिस्सी मे केम टू विजिट जॉनी जे. लेकिन क्या हुआ, जॉनी जे वॉज नॉट एट होम, तो शी डिसाइडेड कि वो वहीं पर रुक जाएगी. ओके, एंड उसने ज्यादा बात ही नहीं की क्रेजी कूट से. क्रेजी कूट कौन, हमारा मकाऊ जो बहुत ही क्रेजी था. जब हमारे मकाऊ से उसने बात नहीं की तो मकाऊ को बड़ा गुस्सा आया एंड ही स्टार्टेड मटरिंग, चिल्लाने लगा. फाइन, एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स. हिड इज अ पास्ट टेंस ऑफ हाइड. वो जाके बुक्स के पीछे छुप गया. आई टोल्ड यू ना कि उसको चिल्लाना और चीजों के पीछे छुपना पसंद था. नाउ व्हाट हैपेंड एट नाइट. अब देखो, एट नाइट वी थीफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर. तो क्या हुआ कि एक थीफ घुसा. यू कैन सी द पिक्चर. ये देखो, थीफ घुसाया. अब हमारा मकाऊ तो कहाँ छुपा हुआ है, बुक्स के पीछे. थीफ को ये बात पता ही नहीं थी एंड ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बिग बैग क्वाइटली. धीरे धीरे उसने सारा सामान जो है वो सामान बैग में भर लिया और वो चाहता नहीं था कि मिस्सी में जग जाए, है ना. लेकिन थीफ को पता ही नहीं था कि वहां पे क्रेजी कूट भी छुपा हुआ है. ही डिड नॉट नो दिस. ओके, कि वहां पे कौन छुपा हुआ है बुक्स के पीछे, हमारा मकाऊ छुपा हुआ है. एंड देन सडनली ही स्टार्टेड शाउटिंग. क्या चिल्लाने लगा, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल. ओके, ये कौन चिल्लाने लगा, मकाऊ, कि चोर, तेरे को अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ और फिर तू कहाँ जाएगा, जेल में. एंड इट वॉज फॉलोड बाय साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट्स. इसके बाद वो पुलिस के सायरन की आवाज निकालने लगा, टों 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 टों, ठीक है, गन शॉट्स. गन शॉट्स यानी बंदूक की आवाज, धड़ 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 धड़. दैट टेरिफाइड द थीफ, स्टूड एज इफ ही हैड टर्न्ड इनटू स्टोन. थीफ तो एकदम डर गया, वो पत्थर की तरह जम गया. उसको लगा, ओह माय गॉड, ये पुलिस कहाँ से आ गई. वो तो यही सोचा कि पुलिस आ गई, है ना. एंड देन थीफ जम्प्ड टू एस्केप. भागा वो, ठीक है, बचने के लिए भागा. लेकिन इतने टाइम में सिस्टर जो थी वो जाग गई इतनी सारी आवाजें सुन के. एंड द चेयर एंड द शी वाज सरप्राइज. द उसने क्या किया, शी द सिस्टर शॉट फ्रॉम द चेयर एंड सरप्राइज द थीफ ट्रिप्ड. थीफ चेयर में फंस के, सिस्टर ने एक चेयर फेंकी और उसमें फंस के थीफ जो है गिर गया एंड स्टक हिज हेड ऑन द टेबल एंड ही फेंटेड. और उसका सिर कहाँ से टकरा गया, टेबल से, और वो बेहोश हो गया. ठीक है, तो चोर तो पकड़ा गया. एंड देन मिस्सी मे कॉल्ड द पुलिस हु अरेस्टेड द थीफ फीलिंग एक्सटेटिक एट बीइंग सेव्ड. ठीक है, तो क्या हो गया, थीफ तो बहुत खुश हुआ कि चलो मैं बच गया कम से कम. एंड मिस्सी मे कौन खुश हुआ, मिस्सी मे वॉज वेरी हैप्पी कि वो किसकी वजह से बच गई, चोर अपने मकाऊ की वजह से बच गई ना. एंड देन मिस्सी मे वेंट टू क्रेजी कूट टू पेट हिम. उसको प्यार करने के लिए गई, ठीक है, क्योंकि उसने उसकी जान बचा दी. बट व्हाट डू यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कूट डू. लेकिन क्रेजी कूट को तो लोगों से मिलना पसंद ही नहीं था, है ना. तो वो जोर से फिर से वही चिल्लाया, यू थीव, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल. फाइन, जब ये बात पुलिस ने सुनी तो पुलिस ऑल्सो फ्रोज, वो भी जम गई. इसके बाद जब पता चला कि अरे ये तो कौन बोल रहा है, मकाऊ, सो पुलिस स्टार्टेड लाफिंग. ओके, एंड दे अंडरस्टूड हाउ मिस्सी मे वॉज एबल टू स्केप अनहर्ट. कि पुलिस को समझ में आ गया कि मिस्सी मे कैसे बच गई. ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी. अब आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है. गिव टू प्रूफ्स फ्रॉम द स्टोरी दैट इंडिकेट दैट जॉनी जे वर नॉट यूज्ड टू लिविंग अमंग लॉट्स ऑफ पीपल. यानी कि जॉनी जे को लोगों के बीच रहना नहीं पसंद था. तो यू सी, फर्स्ट तो आपको ये लिखना है कि ही डिड नॉट लाइक टू लिव ऑन लैंड फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ टाइम. यानी उसको लोगों के बीच नहीं पसंद था, इसलिए वो लैंड में नहीं रहता था. ठीक है, वो कहाँ रहता था, वो हमेशा रहता था एक छोटे से आइलैंड में. और क्रेजी कोट को ये देखिए, ये लिखिए
मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी, यानी जब भी वो लोगों से मिलते थे तो वो क्रैंकी हो जाते थे, है ना, चिड़चिड़े। तो ये दो आपको प्रूफ लिखना है। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मिसी मे हैड शी वोकन अप व्हाइल द थीफ वाज स्टिल इन द मिडिल ऑफ हिज बर्गलरी, यानी थीव जब सामान चुरा रहा था अगर बीच में मिस्सी मे जग जाती तो आप बताओ क्या होता। तो डेफिनेटली क्या करता थीव, आप ये आंसर यहाँ से देख के लिखेंगे कि पूरा, तो आप पहले क्वेश्चंस लिखेंगे एंड देन यू विल राइट थीव मे या थीव माइट हैव हर्ट हर, ठीक है, थीव उसको हर्ट कर सकता था, मार सकता था, ओके, यू विल राइट। एंड देन क्वेश्चन फोर्थ, व्हाई डिड द थीव टर्न इनटू स्टोन, आप लिखेंगे द थीव टर्न इनटू स्टोन बिकॉज द क्रेजी कूट वॉज मेकिंग द साउंड ऑफ साइरन एज वेल एज गनफायर एंड ही स्पोक दीज वर्ड, ना, तो आपको ये लिखना है ही वॉज टर्न इनटू स्टोन बिकॉज ही हर्ड द साउंड ऑफ पुलिस साइरन एंड गन शॉट, फाइन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू यू थिंक पीपल डिसाइड विच एनिमल, बर्ड और रेप्टाइल दे वॉन्ट एज ए पेट, इसका आंसर आप अपने आप लिखिए। आपको क्या पसंद है, लोगों को छोड़ो, आपको कौन सा एनिमल पालना पसंद है, बर्ड पसंद है या कोई सा रेप्टाइल। कई लोग देखो क्रोकोडाइल पालते हैं, कई लोगों के घर काऊ होती है, कई लोगों के घर डॉग होता है, सम ऑफ द पीपल पेट पैरट, है ना। तो आपको जो भी एनिमल पसंद है यू जस्ट राइट इट्स नेम, फाइन। तो दीज आर ऑल फाइव क्वेश्चन, यू हैव टू डू देम एंड पोस्ट द होमवर्क, फाइन, एवरीबडी हैज टू पोस्ट द होमवर्क, ओके।